मैं एक म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ सुरों की इबादत होती चली आ रही है और मुझे भी संगीत विरासत में मिला है, लेकिन सीखने को मिला उस्ताद अहमद हुसैन उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब संगीत। तो बचपन से वही माहौल था म्यूज़िक का, लेकिन बहुत ज़्यादा उस्ताद ने मुझे सिखाया, तालीम दी। तो यूँ कह सकते हैं कि तालीम बचपन से हुई। बचपन से ही सपना था कि मुझे एक सिंगर बनना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नया चेंज आया, बहुत ही बड़ा बदलाव, जब मैं सारेगामा में मैंने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ ना सिर्फ मैंने फाइनल जीता बल्कि मेगा फाइनल भी जीता। और उसमें जो जजेस थे वो पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, खयाम साहब, नौशाद साहब, ओपन एयर साहब, अनिल विश्वास जी, जगजीत सिंह साहब, ये मेरे जजेस थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया। तो सपना भी था और सपना ऊपर वाले ने पूरा भी कर दिया। पहला जो सॉन्ग था वो जब स्टेज फर्स्ट अपने गाए थे, फर्स्ट टाइम खिंचाव थी या फिर चलो सीख लेता स्टेज? सब नर्वस तो शुरुआत में हर आदमी होता है, मैं भी नर्वस था। जब मैंने सारेगामा के ट्रैक राउंड गाया तब मैं काफ़ी नर्वस था। वो गाना था निजा फजली साहब का, दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहाँ तक है, ये दुनिया जहाँ तक है, इंसान की विरासत है, इंसान की विरासत है। तो मैं थोड़ा नर्वस था जब सारेगामा के स्टेज पर था, लेकिन धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। जैसे आदमी नया होता है तो थोड़ा नया होता है तो कॉन्फिडेंस उसका दूर होता है, लेकिन फिर बढ़ता चला। उसके बाद फिर जर्नी आगे बढ़ी, फिर क्या हुआ? जी सर, पहले मुझे सारेगामा से पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन मालिक का ये करम हुआ उस्तादों के आशीर्वाद के बाद कि आफ्टर सारेगामा मुझे तमाम लोगों ने जानना शुरू कर दिया, देश ही नहीं विदेश में भी लोग मुझे पहचानते थे। तो मेरी ज़िंदगी टोटली बदल गई, मुझे बहुत सारा काम मिला, शोज़ मिले, काफ़ी एल्बम्स किए मैंने। अब तक मैं 10 एल्बम कर चुका हूँ, 11वां मेरा अभी रिलीज़ हुआ है। तो मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो गई, मुझे जो है लोगों ने बहुत प्यार दिया और मेरा जो म्यूज़िक है वो सब तक पहुँचता चला आ रहा है। अच्छा, बात की वजूद की, किसका गाना, किसका गाना है, क्या गाना है? वजूद एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक दर्द है पिता का, फादर का, बाप का। वो बाप जो अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत करके, मशक्क़त से अपने बच्चों को पालता पोसता है, इस लायक बनाता है कि वो किसी लायक बन जाए, उस बाप का दर्द जो हमेशा खुद चाहे धूप में चले लेकिन बच्चों को छाया में चलाता है, खुद चाहे भूखे रह ले बट बच्चों को भूख भरपेट खाना खिलाता है, उस बाप की तकलीफ को वजूद में पेश किया गया है। और ये कोशिश की गई है कि वजूद में उस बाप के दर्द को पेश बयान करें, और जितने लोग जो अपने फादर से प्यार नहीं करते हैं या दूर रहते हैं या उनको छोड़ देते हैं, उन सबको ये पैगाम मिले कि नहीं, आज हम जो कुछ भी हैं हमारा वजूद है अपने माता पिता से। ओके सर, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, बहुत ही रेयर गाने बनते हैं पिता पे जी, माता पे तो वहाँ पे कई सारे गाने, पर पिता पे बहुत रेयर गाने, ये गाना ब्लैंक हो सकता है। सर मेरी अपनी भी यही, जैसा आपने फरमाया, ये सोच थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि माँ का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पिता का रोल कम नहीं होता। अक्सर माँ पे शेर लिखे जाते हैं, माँ पे फिल्म बनाई जाती है, माँ पे कोई भी बात कही जाती है, कविता लिखी जाती है, लेकिन पिता पे क्यों नहीं, जबकि पिता का रोल कोई कम नहीं होता। तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा गाना बनाया जाए, लिखवाया जाए, जिसके ज़रिए मैसेज सबको मिले कि पिता की कुर्बानी कितनी बड़ी है। आखिर आज हम जो कुछ भी हैं वो ऊपर वाले की मेहरबानी के बाद पिता की बदौलत है। तो मैंने शकील आज़मी साहब से रिक्वेस्ट करी, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, कि सर आप प्लीज़ स्पेशली हर एक पॉइंट को, हर एक दर्द को पिरो कर लिखी लफ्ज़ों में, ताकि लोगों तक एक पैगाम पहुँचे। और अहमद हुसैन साहब ने इसको कंपोज़ किया, मैंने कोशिश की गाने की। तो बस यही कोशिश थी कि पिता वाला पहलू भी सबके सामने रखना चाहिए। अच्छा, दो दिन हो जाए, दो दिन गाने की। कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझको, कितनी मुश्किल से मेरे बाप ने पाला मुझको, अपने हिस्से का खिलाया है, निवाला मुझको, कितनी मुश्किल से
मेरे बाप ने पाला मुझको। मुझे फिर गलत नहीं हूँ शायद, मैं ये लगता है गजल टाइप है, सुथरन टाइप लग रहा है गाना, ये वैसा कुछ है, ये कह सकते सर हैं ये गजल नहीं है, ये नज्म है। नज्म एक पूरी कहानी होती है अपने आप में। गजल में तो हर शेर में अलग बात कह सकते हैं, लेकिन गजल और नज्म में ये फर्क है। नज्म अपने आप में पूरी एक कहानी होती है, चाहे वो पूरा कोई भी थॉट हो, चाहे जुल्फ की बात हो या फिर रुख की बात हो या फिर बचपन की बात हो, इसमें पिता की बात है, फादर की बात है, तो पूरी नज्म है। अच्छा आज के दिन क्यों चुना आपने, क्या ईद मिलाद रबी भी है उसके लिए चुना आपने, क्या बात? ये तो इत्तेफाक की बात है। जी ने जो है, जी म्यूजिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस एल्बम के जरिए लॉन्च किया है, और जी ने ही रिलीज़ की है। बस ये इत्तेफाक की बात है कि ईद के दिन हुई है, तो आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, आप सभी को मेरा मोहम्मद वकील दोबारा करेंगे। एक मिनट यहाँ, एक मिनट। आप सभी को मोहम्मद वकील का प्यार भरा आदाब, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद इस शेर के साथ कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास है, नया साल भी सबको आने वाला रास हो और ईद मुबारक हो। थैंक यू। आप सभी को मोहम्मद वकील का प्यार भरा आदाब, ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी मुबारकबाद आप सबको इस खते के साथ के हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे।